कुंडा का सचिन मिश्रा हत्याकांड अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। राजनीतिक पार्टियां अब इस हत्याकांड को चुनावी हथकंडा बना रही हैं। मानवीय संवेदनाओं को भूलकर सत्ता पक्ष के नेता भी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने पहले घटना की TRP चेक की और फिर उसके बाद बयानबाजी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष के नेता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी ने कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुंडा विधानसभा में इस तरह की घटनाएं हमेशा चुनाव के बाद हमेशा होती रही है 30 साल में। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हर हत्या के पीछे वो एक दबाव की राजनीति करने की यहाँ परंपरा रही है वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं, और उन्हीं के साथ रहने वाले का नाम क्यों आता है कोई हत्या होती है, चाहे वो जित जात संप्रदाय की हो, और आज उन्हीं के लोग जो है इस हत्या को एक जात संप्रदाय के माध्यम से इसको फिर जोड़ के उसको खत्म, उस मामले को जांच में खत्म कराने का प्रयास करेंगे। और यही हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग चलवा रहे हैं। तुरंत दूसरे दिन उन्हीं के साथ रहने वालों ने हत्या किया, दूसरे दिन सारे लोग वहां पहुंच गए, वर्तमान विधायक गए, सारे लोग गए वहां पर। आज तक छोटे छोटे मामलों में तो इनके लोग चले जाते हैं, पकड़वा लेते हैं, ये करा लेते हैं। आज 7 दिन हो गया, एक भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे उनकी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सुना आपने नेताजी क्या कह रहे हैं। अब नेताजी से कोई ये सवाल पूछे कि सूबे में सत्ता भाजपा की है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर खुद की सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष से ही सवाल किया जा रहा है। जबकि कुंडा पुलिस ने सचिन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों आकाश सिंह के खिलाफ जुलाई 2020 और विकास सिंह के खिलाफ अक्टूबर 2020 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि इन अपराधियों को संरक्षण आखिर कौन दे रहा है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आखिर प्रतापगढ़ में उनके दावे क्यों खोखले साबित हो जाते हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर KN ओझा ने तगड़ा पलटवार करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। हीरानगर के अंशु मिश्रा हत्याकांड में कल भाजपा नेता शिव प्रकाश सेनानी ने राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंडा क्षेत्र में जो भी अपराध होते हैं उसमें उनका योगदान रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो वो भाजपा नेता है ही नहीं है, इनकी एक गैंग है बड़ी सड़क साफ टाइप की, ये बसपा में थे वही गैंग आ गई है पूरी लखनऊ से लेके यहाँ तक इनकी गैंग है, और वो गैंग अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए, माफियागिरी करने के लिए खुद भी इन्होंने भाजपा ज्वाइन की ही। रही बात हीरानगर हत्याकांड की, आप बताइए कि उस लड़के का पूरा इतिहास, उस परिवार का पूरा इतिहास देख ली, सीधा साधा लड़का, एक गरीब ब्राह्मण घर का लड़का और बिना माँ बाप का लड़का, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी समाज में किसी भी तरह की, और कोई उसका पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं था कि कोई राजनीति में था, और इस तरह 93 से लगातार रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतते चले आ रहे हैं। आज तक एक भी रिवेंज की कोई घटना हमारा नेता आदरणीय राजा भैया इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं, ये इनकी कुंठा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा कहते क्यों हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। अभी आपने देखा कि दोनों विधानसभा, बिहार और कुंडा विधानसभा में 17 सीट थी, 17 सीट में एक सीट भाजपा जीती, वो भी बेईमानी से, और ब्राह्मण कैंडिडेट को मार करके पीट करके चुनाव जीत लिया इन्होंने, और वो भी चंद मतों से। कितने बड़े ये ब्राह्मण के हितचिंतक हैं या भाजपा के हितचिंतक हैं। सबसे दूसरी चीज़, एजेंसियां जांच कर रही हैं, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है, कुछ तो इंतज़ार करो, तुम्हारा शासन है और विपक्ष के ऊपर दबाव बनाते हो, ये इनकी कुंठा है। कई बार चुनाव हार चुके हैं, और इनकी गैंग के जो लोग भी चुनाव लड़े, 1000 के ऊपर कोई वोट नहीं पाया, इनकी बहू खुद ही चुनाव लड़ी थी, 1100 वोट पाई थी, चौथे पांचवें आठवें कितने नंबर पे थी हम बता भी नहीं सकते आपको। तो ये सब लोग, अच्छा दूसरी चीज़, ये खुद एक माफिया है, अभी भू माफिया के तौर पे इसी भाजपा सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी लखनऊ में, 9वें नंबर पे इनका नाम है, हम चले इनके साथ करें, आप लोग पत्रकार हैं खोज कर लीजिएगा। तो ऐसे लोगों को हमें संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ तो भाई चलो बोलना ही पड़ता है। तो पहली बात तो भाजपा नेता, आप इनको कहिए नहीं किसी कीमत पे, ये भाजपा नेता नहीं है। आपको बता दें कि किसी भी बिरादरी का आदमी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे ठाकुर हो, अगर अपराधियों के पक्ष में कोई बयान देता है, उनकी सफाई पेश करता है,
चूँकि राजा भैया न्यायप्रिय हैं तो उस ये आप मान के चलिए कि वो राजा द्रोही है, वो राजा द्रोही है। अन्याय के खिलाफ राजा ने हमेशा लड़ाई लड़ी, 93 में राजनीति में ही इसीलिए आए। इतना ज़्यादा यहाँ अन्याय, जितने लोग बोल रहे हैं घर से नहीं निकलते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, इतनी गुंडागर्दी दुनिया भर की चीज़ थी, ये कहाँ है। आजकल के नौजवानों को बिल्कुल पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं, अगर उस समय वो पैदा हुए होंगे तो आज 29 साल के हो गए। बुजुर्गों से आपके पूछिए कि जब राजा आदरणीय राजा भैया ने 93 में चुनाव में कदम रखा था, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, गुंडा की क्या हालत थी, बहु बेटी की इज्जत बचना मुश्किल था, सरेआम कत्लें हो जाया करती थी, लेकिन उन्होंने समाज को एकजुट किया। और ये मैं नहीं कहता कि उन्होंने सब संभाल लिया, उन्होंने समाज के लोगों को मजबूती प्रदान करी, लोगों ने अपना संघर्ष किया और सबको इतनी शक्ति दे दिया कि इस तरह की शक्तियों से वो लोग लड़ने के लिए उन्होंने आम जनता को जागरूक किया, उनको शक्ति दिया। आज सारे लोग सक्षम हैं और सक्षम होकर के आज वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो बाहरी लोग आ गए हैं, कुंडा को इतना मजाक और हलवा समझ के रखे हैं, कुछ लोगों को बरगलाया। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सेनानी एंड कंपनी ये चिटफंड खोलते हैं, जैसे चिटफंड कंपनी होती है ना, तो बसपा नाम की चिटफंड कंपनी खोल करके ये बसपा के शासन के दौरान कुंडा में आए, इन्होंने चिटफंड खोला और तमाम लोगों को मेंबर बनाया और मेंबर बना करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़के ये हार गए बहुत बुरी तरह से, ये चले गए, उसके बाद लौट करके नहीं देखे। मुझे तो अफसोस होता है, स्पेशली हमारे, मैं अपने समाज ब्राह्मण समाज के बच्चों को कहना चाहूँगा कि इनके चक्कर में कतई दूसरी चिटफंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी के रूप में घुस करके उसमें फिर एक कंपनी इन्होंने खोल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के शासन का उपयोग करके हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं। हमको एक चीज़ बता दें कि 2-3 लोगों को छोड़ करके इसका फ़ायदा कौन लेता है, वही लोग बसपा में फ़ायदा लिए, आर्थिक फ़ायदा लेकर के इन लोगों के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी में 4 गाड़ियां लेकर के घूम करके ये सहायता ले रहे हैं। और किसी भी गरीब वर्ग की, किसी गरीब ब्राह्मण को पढ़ाई में मदद किया, किसी में किया, हमारे यहाँ तो राजा भैया के यहाँ खुला है। मैंने तो मंच पे ब्राह्मण सभा में भी ये बात कह दी थी कि जो भी गरीब परिवार, राजा बिरादरी की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम था और मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था, तो मैंने कहा था कि ब्राह्मण समाज की जो भी लड़की इस लायक है, गरीब ब्राह्मण है, शादी नहीं कर सकता, आदरणीय राजा भैया उसकी शादी करवाएंगे। ब्राह्मण समाज का जो बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं तेज है, पढ़ना चाहता है और उसके परिवार की ये स्थिति नहीं है कि उसकी शिक्षा सुचारू रूप से दे सके, मैंने ये कहा था, आदरणीय राजा भैया की तरफ से कहा था, और कि उसकी शिक्षा का पूरा व्यवस्था करेंगे। राजा भैया कोई वर्ग नहीं देखते, आप जाके देख लीजिए, चाहे किडनी का मरीज हो, चाहे कैंसर हो, भगवान न करे किसी को कैंसर हो, किसी भी तरह के बीमारी का कोई भी आदमी आता है, चाहे वो जिस बिरादरी को हो, क्या वो बिरादरी देख करके उसकी मदद करते हैं। और आपको एक बात मैं डाटा बता के देख रहा हूँ कि उन बीमार लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों की मदद अदद करने की बात कर लें, और संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे कम ठाकुर की नगर संख्या है, बाकी और गैर बिरादरी तो राजा भैया की राजनीति में एक राजा भैया परिवार है, उस परिवार में हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड शेड्यूल जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। और कभी भी जात बिरादरी की नेता राजनीति हमारे आदरणीय राजा भैया ने कभी नहीं किया। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, अंशु मिश्रा हत्याकांड पर अब जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, भाई आपके क्षेत्र का मामला था, आपका पूरा जनसत्ता दल परिवार, क्षेत्रीय लोग, समाज के लोग पहुंचे, जिस प्रकार हुआ पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, अब उसके बाद जिस प्रकार रोज कोई ना कोई राजनीतिक दल पहुँच रहा है, और तो इस पर आप क्या करेंगे, क्षेत्र आपका है, आप लोगों ने यहाँ मेहनत की है, तो इस पर किस प्रकार लगाम लगाई जाएगी? इस पर लगाम तो हम नहीं लगा सकते, इसलिए कि उनके मुंह हैं और वो सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन बीत गए, अगर अब कोई जाता है और हम लोगों के रिएक्शन के बाद ही ये लोग नेता होता पहुंच रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए जा रहे हैं ये, खैर हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ये जाएँ सहायता करके आएँ। हमारे यहाँ के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, हम लोगों ने 50 लाख रुपए आर्थिक मदद की जरूरत मदद की मांग की है, सच लाइसेंस की भी मांग की है, और कड़ी से कड़ी सज़ा, तीन मांगे हमारी हैं, उनमें से इनका शासन है। अभी हमारे थोड़ी दूर पे बसरौली एक गांव है, वहाँ पे एक लड़के की हत्या हो गई, उसने लड़ाई झगड़ा किया था होटल में इलाहाबाद में, उसको 50 लाख रुपये तुरंत जो है भाजपा सरकार ने दिया, और ये तो कोई लड़ाई भी नहीं होती, इसमें तो सीधे गोली मारी गई है, इसको आर्थिक सहायता देने के नाम पे सेनानी का मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था उसको, जब आर्थिक मदद की बात आई तो टाल मोल कि उस परिवार को कोई ज़रूरत नहीं है, परिवार को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको भीख की ज़रूरत नहीं है, उसे भिक्षा की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन जब सरकार दूसरे लोगों को दे रही है तो क्यों उन्हें ब्राह्मण समाज के एक आदमी मारा गया है कि दे, हमारे राजा भैया की मांग भी तो यही थी कि अगर कोई पीड़ित है उसको भी मुआवजे दिए जाएँ, उसको भी पैसा दिया जाए, हमारी पार्टी की नीति में आता है। तो हमने तीन मांगे रखी है, एक मांग 50 लाख रुपये उसको आर्थिक सहायता दिया जाए, उसको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तीन हमारी मांगे हैं। और रही बात इनकी राजनीति करने की, तो राजनीति करने आएंगे जाएंगे, और बता दिया मैंने कि ये उसी नाव पे, विरोधियों की नाव पे सवार है। हमारे जो भी 30-35-40 हज़ार विरोधी हैं कुल मिला के, इनका कोई जनाधार नहीं है, उसी नाव पे सवार हो के जितने लोगों को बैठ के घूमना है वो बैठ के घूमें, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार अभी थोड़ा सा आपने ब्राह्मण पर चर्चा किया तो एक सवाल और थोड़ा सा आया कि जिस प्रकार उनसे सवाल किया गया, कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या की गई? हाँ बिल्कुल की गई है, बिल्कुल की गई है, वो की गई है। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बताऊँ, इन्हीं की कंपनी की बात है। ये सेनानी जो है ये तो एक सिंपल जनरल वो है, अटेंडेंट है किसी बड़े नेता का। अभी उचाहार में आप जानते हैं 6 लोगों की हत्या हुई थी, ब्राह्मण ही थे ना, कहाँ मर गए थे ये सब लोग, कहाँ मर गए थे? इन्हीं की शासन सत्ता थी और इन्हीं के लोगों ने मारा था, मरवाया था, और इन्हीं के लोगों ने बयान दिया था, उस पार्टी की मदद की थी, ब्राह्मण विरोध की पार्टी मदद थी। अगर मान इनकी दूध पिलाया है उसके बारे में कुछ बोले नहीं, सेनानी की बात कर रहा हूँ। अब मैं नाम इसका ले रहा हूँ, हालांकि बहुत गलत कर रहा हूँ, ये किसी स्तर का आदमी नहीं है, पत्रकार हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस नेता के साया के तले ये लोग जिंदा हैं, उस गैंग जो पार्टी बदल के शासन में आती है, उस गैंग का जो सबसे बड़ा लीडर है, उसी के लीडर के संरक्षित्व में उनकी मदद हुई है। अगर ये लोग कहीं गए हों, कुछ किए हों तो बताएं, वो भी तो ब्राह्मण था। हालांकि हम लोग ब्राह्मण अकेले की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नेता नहीं करता, परंतु आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न पे हम आपको ये उत्तर दे रहे हैं।